हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूचर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्मार्ट बैच। और स्मार्ट बैच इसलिए है कि इसमें हम स्मार्ट तरीके से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कर स्मार्ट क्लासेस द्वारा दिए जाएंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों तरह से बैच प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ हम महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारा कंटेंट मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा वही कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम 1 जनवरी से विधिवत इसको ऑनलाइन लाएंगे और डेली क्लासेस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग और जीके सभी इसमें समावेश किया जाएगा। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी ज़्यादा डिटेल हम आपसे शेयर कर पाएंगे। अभी योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 26,744 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली हैं कुछ ही दिनों में, इसकी हम आपसे शेयर करेंगे। 26,744 वैकेंसी जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं, इसके लिए आगे की डिटेल आपको हरिंद्र सर देंगे और हरिंद्र सर इसके बारे में बताएंगे और भी बैच के बारे में आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। तो धन्यवाद और आगे की डिटेल के लिए हरिंद्र सर आइए। हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोकस फ्यूचर में। मित्रों, हम लोगों ने आपको इसके लिए जो बैच स्टार्ट किया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है, जिसमें अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको सब्जेक्ट वाइज जो मैटर दिया जाएगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। इसमें जो आगामी पुलिस की भर्ती है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेबल की 26,744 भर्ती, और मित्रों इसके लिए जो योग्यता है वो है 12th, और इसकी अगर उम्र की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 18 से 22 साल इसमें जो है वो उम्र है, और OBC और SC वर्गों के लिए इसमें छूट का प्रावधान है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पाँच साल की जो है छूट दी जाती है OBC और SC वर्ग के लिए। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 18 से 25 ये जनरल वर्ग के लिए है, और 5 वर्ष की जो छूट है वो अब महिलाओं के लिए भी दी जाती है, ठीक है ना। तो मतलब OBC और SC की महिलाओं के लिए ये जो छूट है वो कितनी हो जाती है भाई, 18 से 30 तक हो जाती है उम्र, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, इसमें रिटर्न से पहले दौड़ के विषय में बता देते हैं। तो इसमें आपके जो चरण होंगे वो एक लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद आप देखेंगे इसमें फिजिकल है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल से पहले दोस्तों इसमें आपका DBPST भी होता है, तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं लिखित परीक्षा में उनका DBPST होगा और तब जाके उनकी रनिंग होगी। तो रनिंग के लिए देखेंगे आप, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में है और महिलाओं के लिए रनिंग 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में करनी है। अच्छा देखिए, आगे अगर बात करें लिखित परीक्षा जो सबसे जरूरी है दोस्तों आपके लिए, वो लिखित परीक्षा है, और हमारा जो पूरा फोकस है, फोकस एकेडमी का पूरा फोकस ही इस पर है, लिखित परीक्षा पर। लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें संभवतः क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं हम उसको एक बार देखें। तो जैसा स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें रीजनिंग, हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर इन सब्जेक्टों की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे रीजनिंग का इसमें दोस्तों एक बड़ा रोल है, रीजनिंग का बड़ा रोल है, मैथ के पोर्शन में भी रीजनिंग आती है, और हिंदी भी कम नहीं है, मैथ और देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा होता है, असीमित कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो हम लोग काम करेंगे वो हमारा यही है कि आपको एक निश्चित समय में, एक सीमित समय में सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसको ख़त्म करवाएं, ठीक है नहीं। गणित को एक ट्रिकी तरह से पढ़वाएं, हिंदी को आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देने की कोशिश करें, वो आप इसमें आगे देखिए